नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स। और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं क्या उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं, जो पास आउट हैं और उनके फाइनल में री है या इंटरमीडिएट में सेमेस्टर में किसी में री है क्या उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी सेम में उनकी री है क्या उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ, ये जो रीअपियर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर को सर्कुलेट किया था, जारी किया था रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रमोशन से रिलेटेड है। जो लेटर है इसमें लिखा है कि जो 23 जून को जो ऑर्डर दिया था डिपार्टमेंट ने कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उनका रिज़ल्ट जो है वो 28 अगस्त तक जो है जारी करना है MIS पोर्टल पर, इसमें ये लिखा है इस लेटर में। और इसी के साथ अटैच करके ये गाइडलाइन दी हुई है, अगर गाइडलाइन इनको चेंज करनी होती तो ये इसके साथ अटैच नहीं करते। और इसका जो दूसरा पॉइंट है इस गाइडलाइन का, इसमें साफ साफ लिखा है कि द स्टूडेंट विद एकेडमिक एरियर इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन, तो उनको एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ेंगे, एग्जम्प्ट लिखा है इसमें। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, एंड द रीअपियर स्टूडेंट आर टू बी गिवन मार्क ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन, जो रीअपियर के स्टूडेंट है उनको प्रीवियस एग्जामिनेशन के आधार पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, और द सेम फॉर्मूला शैल बी अप्लाई, डिस्टेंस एजुकेशन होगी, प्राइवेट स्टूडेंट उन पर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा लिखा है, लेकिन जो कुशेत्र यूनिवर्सिटी है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जो कुशेत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि 10 सितंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। इसमें जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में मेंशन नहीं किया गया साफ साफ, इसमें सिर्फ लिखा है कि ऑल UG PG टर्मिनल सेमेस्टर ईयर ऑफ रेगुलर DDE एंड प्राइवेट स्टूडेंट विल बी हेल्ड 10 सितंबर तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में इसमें साफ साफ मेंशन नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। और यूनिवर्सिटी ने कल भी रिजल्ट जारी किए हैं सेकेंड सेम के, फोर्थ सेम के, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ साइंस फॉर सेम, सेकंड सेम और BCom के भी। तो जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं वो अपना रिजल्ट देख के मेरे को बता सकते हैं कि उनका रिजल्ट आया है या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट के मेरे पे कमेंट भी आए हैं कि उनका रिजल्ट नहीं दिखाया गया, तो जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनको अभी वेट करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो अभी क्लियर मेंशन नहीं हो रही कहीं पे। और काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके बताया कि मैं पास आउट हूँ BCom से और मेरी सेकंड सेम में री थी, रिज़ल्ट आया है कल, लेकिन मेरा रोल नंबर है जो उसमें नहीं आया, मतलब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया उसमें रिज़ल्ट में, तो इसका रिज़ल्ट नहीं आया, ये पास आउट है। तो आप अभी जो अफवाह उड़ रही है रीअपियर स्टूडेंट के लिए कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उस पर ध्यान ना देते हुए अभी तैयारी रखें क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं की है यूनिवर्सिटी ने। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।